हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपको सैम ब्लॉग में। तो आज अभी सैटरडे है और शाम का टाइम हो गया है, शाम का 6 बज रहा है। अभी हम लोग निकल रहे हैं घूमने और बहुत दिनों बाद अभी हम लोग बाहर जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए। तो कहाँ जा रहे हैं, वहाँ का व्यू कैसा है, सब कुछ मैं आप लोग को दिखाऊँगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और इन्जॉय करिएगा इस वीडियो को। टिकट का आगे ओके। तो गाइस, अभी हम लोग पहुंच गए हैं चौकी हवेली, जो कि बहुत सुंदर है। मैं भी पहली बार आई हूँ, बट मैं आप लोग को सारा कुछ दिखाऊंगी कि कैसा कुछ बना हुआ है। मैं भी नाम सुनी हुई थी बट कभी आई नहीं थी, फर्स्ट बार आई हूँ। तो वाकई में बहुत सुंदर लग रहा है बाहर से दृश्य जो है, और अंदर जाके क्या कुछ है सारा कुछ मैं आप लोग को दिखाऊंगी इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और जो लोग भी आया है उन लोगों को पता चल गया होगा इस व्यू से कि कहाँ मैं आई हूँ। लेकिन जो लोग नहीं आया है उन लोगों को मैं दिखा रही हूँ। तो यहाँ मेन गेट पे जैसे ही एंट्री करते हैं उसके बाद से सबको तिलक लगा करके मतलब एंट्री लेना है। तो यहाँ देखिए सैम का भी तिलक लग रहा है, उसके बाद से मैं भी लगवाऊँगी यहाँ पर तिलक। तो देखिए यहाँ पर मेरा भी तिलक लग रहा है। तो मैं ज़्यादा इसमें वॉइस ओवर नहीं करूँगी, तो आप लोग इसको इंजॉय करिएगा। और यहाँ मेन गेट पे ही टिकट काउंटर है, तो आप लोग यहाँ से टिकट ले सकते हैं। तो हम लोग का टिकट हो गया है, तभी हम लोग यहाँ से मेन गेट से अब एंट्री ले रहे हैं अंदर जाने के लिए। तो मैं अब अंदर का व्यू दिखाऊंगी आप लोगों को। तो टिकट का क्या प्राइस है मैं बता देती हूँ कि 590 रुपया जो है हम लोग का चार्ज लगा हुआ था, मतलब पर पर्सन 590। और बच्चे का जो है 4 साल से बड़े बच्चे का जो है लग रहा था पैसा, बाकी सैम का जो है पैसा नहीं लगा है टिकट में। और यहाँ पर जैसे ही एंट्री करने के बाद आते हैं तो यहाँ पर मिल रहा था जल जीरा, तो जिसको जिसको पीना था सब लोग पी ही रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग मिल रहा था जल जीरा, तो सैम भी पी रहा है, उसके पापा भी पी रहे हैं। और यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर हैं कोई पंडित जी हैं जो हाथ वगैरह देखते हैं, ग्रह गोचर जो भी बताते हैं, तो वो सब भी मतलब कि बता रहे थे। तो जिसको जिसको मतलब करवाना था हाथ दिखाना था तो उन लोग अपना यहाँ दिखवा रहे थे। और यहाँ जो है स्टैचू इस टाइप का बना हुआ है, तो बहुत लोग जो है यहाँ फ़ोटो शूट करवाया था, जो कि हम लोग भी करवाए थे। और गाइस यहाँ बच्चे के लिए बहुत अच्छा है, एंजॉय कर सकता है बच्चा। यहाँ देखिए सैम को मैं लेकर के आई हूँ और सैम जो है इतना एंजॉय कर रहा है यहाँ पर, बहुत खुश है। उसके बाद से सैम को भी मैं दिखा रही हूँ कि सैम जो है अभी डांस वगैरह सब कुछ कर रहा है, क्योंकि यहाँ ढोल वगैरह सब कुछ बजते रह रहा है ना। तो सैम काफ़ी इंजॉय किया, उसको बहुत अच्छा लगा। और सारे जितने भी बच्चे थे सबको अच्छा लगा यहाँ आ करके। देखिए बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ स्टेज बना हुआ था इस तरीके के डांस करने के लिए, तो ये लोग सारे लोग। और सॉन्ग जो है मैं म्यूट करके रखी हूँ, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा। तो यहाँ पर सॉन्ग जो है राजस्थानी सॉन्ग भी बज रहा था, मतलब चेंज भी हो जा रहा था लेकिन सॉन्ग कंटिन्यू बज रहा था, तो इसलिए मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। तो जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो देखने के बाद लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो किस लोकेशन पर ये है मैं बता दे रही हूँ, तो ये नोएडा सेक्टर 34 में है, इस्कॉन टेम्पल के पास। और इसका टाइमिंग जो है शाम को 5 बजे से रात को 10:30 बजे तक है। तो हम लोग भी फ़ोन पर बात करके ही आए थे, क्योंकि हम लोग को भी आइडिया नहीं था कि टाइमिंग क्या है यहाँ आने का। और आपको जितने देर रुकना है रुक सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि टिकट जितने 1 घंटे के लिए ही टिकट है, 2 घंटे के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको जितने देर यहाँ देखना है इंजॉय करना है तो आप लोग उतने देर तक रुक सकते। और सैम जो है देख रहा था कठपुतली का डांस जो हो रहा था, हाँ।
और अभी जो है भीड़ ज़्यादा हो गया था क्योंकि हम लोग जब आए थे तब बहुत ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो है लोग आ रहे हैं। और यहाँ हो रहा था मैजिक शो, तो ये अपना मैजिक जो कुछ भी है दिखा रहे थे। और यहाँ जो है हम लोग बैठ गए थे डिनर करने, तो डिनर का टाइम जो है हम लोग का हो गया था। तो डिनर का क्या टाइम है, जैसे ही आप टिकट लोगे तो आपके टिकट पे जो है मेंशन हो जाएगा कि टाइमिंग क्या है। तो हम लोग को 8:15 टाइमिंग मिला हुआ था खाने के लिए, तो हम लोग उस टाइम से मतलब 5 मिनट पहले आपको गेट पर चला जाना है। तो यहाँ पर देखिए राजस्थानी थाली जो है रेडी हो रहा है, तो इस तरीके से आपको सारा कुछ मिलेगा। और खाना जो है बहुत टेस्टी लगा था हम लोग को। तो गाइस अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं एक वीडियो के साथ आप लोग को, तब तक बाय बाय।